अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास एक बाइक है, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, जिसमें यूनिट वगैरह भी चेंज किए हैं, प्लग भी चेंज किए हैं और इसकी सेटिंग वगैरह भी की गई है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तंग करती है, चलते हुए बंद हो जाती है और मिसिंग करती रहती है, झटके लेती है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये बाइक है रोड प्रिंस की, तो किक लगाएं भाई ज़रा। इसका करंट जो है ये बिल्कुल कमज़ोर है, किक लगाएं भाई। देखें करंट आ रहा है लेकिन बिल्कुल कमज़ोर करंट है। तो इसमें क्या क्या किया गया है कि इसका CDI यूनिट जो है ये भी तब्दील किया गया, उसके बाद भी इसकी यही सूरत हाल है। और नीचे से अगर करंट चेक किया तो इसका नीचे से करंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैं आपको फिर चेक करवा देता हूँ दोबारा। लगाएं भी किक, देखें नीचे से करंट इसका बिल्कुल ठीक आ रहा है। बस कर नीचे से स्टार्टिंग का करंट इसका बिल्कुल ठीक है। CDI यूनिट जो है इसका तब्दील किया गया, लेकिन वो भी जो है फिर भी करंट जो है ठीक नहीं हुआ। तो स्विच की तार को जो है चाबी स्विच को फ्री कर दिया गया है, चाबी स्विच जो है इसका फ्री करके भी इसका जो है करंट पूरा नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं बाइक को, बंद हो जाती है, मैं आपको चेक करवाता हूँ ये किस तरह करती है। लगाएं भी किक, स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है। ये देखें स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है, यानी कि मोशन नहीं लेती, बंद हो जाती है बार बार। तो इसके लिए हमने इसको क्या किया कि हमने इसको जो है ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। स्टार्टिंग भी ठीक है, पल्सर कॉइल भी इसकी नीचे से ठीक है, प्लग वगैरह भी इसके चेंज किए हैं, प्लग भी ठीक है। तो अभी इसका करंट का मसला आ रहा है, तो करंट जो है हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। CDI यूनिट हमने नया लगाया हुआ है और CDI यूनिट से जो निकलने वाला करंट है ये मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। अगर ये पूरा है तो फिर इसकी इग्निशन कॉइल ख़राब होगी। लगाएं भाई, तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी अच्छा करंट जो है CDI यूनिट से आ रहा है। तो अभी दोस्तों हमने क्या करना है कि इसकी इग्निशन कॉइल जो है ये चेंज करनी है। इग्निशन कॉइल इसकी अंदर चेसिस के अंदर लगी हुई है बैटरी के पास, ये यहाँ पे। तो हमने इसकी बैटरी साइड खोलनी है, बैटरी साइड खोल के इसकी इग्निशन कॉइल को निकालेंगे। लेकिन इग्निशन कॉइल निकालने से पहले मैं आपको इसकी जो है नई कॉइल लगा के इसमें करंट चेक करवा देता हूँ और इसमें इसका मसला हल होता है कि नहीं होता। तो कॉइल जो है हम इसमें लगाएंगे क्राउन की, क्राउन की कॉइल जो है बड़ी अच्छी है, करंट में भी अच्छी है और हर जगह आसानी मिल जाती है, रेट भी इसका बहुत मुनासिब होता है। तो ये कॉइल हम लगा के चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसकी फ़िटिंग बड़ी अच्छी होती है, चेसिस के अंदर लगाने के लिए ये बेहतरीन इसकी फ़िटिंग है। अभी हम इसको लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखें ये इग्निशन कॉइल वाली वायर है जो CDI यूनिट से आ रही है और ये ग्राउंड वायर है। तो हमने ये पीली तार जो है इग्निशन कॉइल वाली इसमें लगाएंगे और सबज तार को जो है इसमें ग्राउंड वाली वायर में लगा देंगे। बस इसके कनेक्शन हो गए हैं। तो अभी लगा के किक लगा के चेक कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग का मसला हल होता है कि नहीं होता। तो लगाएं भी, इसको अर्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अर्थ वाली तार यहाँ से लग चुकी है। तो करंट चेक करवाएं ज़रा। तो ये देखें यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बेहतरीन करंट इसका हो गया है, बड़ा अच्छा करंट निकाल रही है कॉइल हमारी। यहाँ पे चेक कर लें, नज़र आ रहा है ठीक। तो प्लग के साथ लगाते हैं, लगाएं ज़रा। तो ये देखें यहाँ पे स्टार्टिंग का मसला हमारा हल हो गया है, स्टार्टिंग भी इसकी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे और बंद भी नहीं हो रही है बाइक। तो अभी क्या करना है कि हमारा फाइनल हो गया है कि हमारा फॉल्ट जो है इसमें इग्निशन कॉइल का ही है। तो इग्निशन कॉइल हम इसकी चेंज कर देते हैं, बैटरी साइड खोलते हैं, बैटरी साइड खोल के कॉइल को निकालेंगे। तो बैटरी साइड जाने से पहले ये 10 नंबर का नट यहाँ पे लगा हुआ है, ये 10 नंबर का नट जो है हम 10 नंबर की चाबी या टी से खोल देते हैं ताकि कॉइल जो है आसानी बाहर आ सके। नट खुल गया है, अभी बैटरी साइड पर चलना है। बैटरी कवर को हम बाहर निकाल देंगे और 10 नंबर T से हम बैटरी की जो ये सेफ्टी पतरी लगी होती है इसे उतार देंगे, बैटरी पाइप उतारने के बाद।
बैटरी को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। कॉइल का नट हमने खोल दिया है, इसलिए कॉइल जो है बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी। ये देखें, तो ये दोस्तों इसकी इग्निशन कॉइल है। इग्निशन कॉइल की हमारी हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हमने इसमें नई कॉइल जो है लगानी है, तो इसकी तारें उतारने में ये देखें, पहले हमने इसकी इग्निशन की वायर जो है हम बाहर ले जाएंगे प्लग की साइड में, और इसके बाद ये जो कनेक्शन वायर हैं ये ले जाएंगे, और इसके साथ हमने इसको इसकी जगह पे ये वाला जो इसका नट बना हुआ है ये वाला, ये हमने उस जगह में लगा देना है। तो इसका नट लगाएं भी 10 नंबर का लगा दें। तो नट लग गया, बैटरी को उसी जगह पे रख देना, वापस इसकी पट्टी लगा दें, और पट्टी वगैरह लगाने के बाद जो है इसके पाइप को आपने याद से लगाना है, पाइप जो है ये भूलना नहीं है, ये ब्रीदर पाइप जो है ये लाजमी जो है आपने लगा देना है। तो यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो गया है, अभी आते हैं दोबारा से इग्निशन साइड। तो भाई ये इग्निशन कॉइल हमारी फिटिंग हो चुकी है, इसकी वायर हैं ये, इनके जो थिम्बल जो हैं इनको ज़रा टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आप इन्हें अच्छी तरीके से लगा के इनके ऊपर डस्ट बोर्ड चढ़ा दें, ताकि कोई डस्ट या पानी वगैरह इन्हें डैमेज ना करे। इसके अलावा ये डस्ट बोर्ड का फ़ायदा ये भी होता है कि ये लूजिंग से बचाते हैं। तो ये हो गया हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट, और इग्निशन स्विच की तार भी हमने लगा देनी है, लेकिन उससे पहले हम इसको एक दफ़ा फिर स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। लगाएं विक्की के लगाएं सर। तो लगाएं भी, तो भाई यहाँ पे ये देखें हमारा करंट भी ठीक हो गया है, बाइक की स्टार्टिंग भी ठीक हो गई है। तो पहली वाली कॉइल पे जो है फौरन जो है बाइक बंद हो जाती थी, तो यहाँ पे ये मसला हमारा हल हो गया है। इस तरीके से आप भी जो है इसका मसला हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।